कोरबा जिले में कानून व्यवस्था की कमान संभालने के लिए अब राज्य शासन ने 2011 बैच के आईपीएस संतोष कुमार सिंह जी की पदस्थापना कोरबा में की है। संतोष कुमार जी न सिर्फ कोरबा में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक जाना माना नाम है। न सिर्फ बेसिक पुलिसिंग बल्कि कई तरह के क्रिएटिव काम भी इन्होंने किए हैं। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी इन्हें मिला है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सीधे जुड़ेंगे संतोष सिंह जी से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। थैंक यू सर। जैसा कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने बीएचयू से भी पढ़ाई की है और जीएनयू से भी, तो सर उसके बारे में बताइए, फिर वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र जो है किस तरह की आपकी जर्नी रही? मेरी स्कूलिंग जो रही है वो नवोदय विद्यालय से रही है और उसके बाद ग्रेजुएशन और पीजी पॉलिटिकल साइंस में मैंने बीएचयू से किया है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू से मैंने एमफिल में इंटरनेशनल रिलेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय होता है, उसमें एमफिल किया है। साथ साथ मैं पीएचडी भी अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ही कर रहा हूँ। 2011 में सिविल सर्विस का एग्ज़ाम मैंने दिया जिसमें मुझे सफलता मिली और छत्तीसगढ़ अलॉटमेंट होने के बाद विभिन्न जिलों में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर, हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अवार्ड है IACP, जो कि 40 से जो कम एज के जो अधिकारी होते हैं उन्हें दिया गया और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है, उसके बारे में सर हम जानना चाहेंगे आपसे। मुझे अभी पिछले साल एक अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है IACP, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस, ये पूरी दुनिया में के पुलिस अधिकारियों का संगठन है जिसका हेडक्वार्टर USA में है, अमेरिका में। उन्होंने एक 40 अंडर 40 लीडरशिप के लिए, जो 40 साल के कम अधिकारी होते हैं उनको हर साल चुनते हैं और उसमें देश से 2 अधिकारी चुने गए। मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि उसमें मेरा नाम भी शामिल था और पूरी दुनिया से 40 ऐसे अधिकारियों को उन्होंने चुना था। ये बेसिकली जो आपके जो लीडरशिप का जो काम है, क्रिएटिव जो काम है, उन सारी चीज़ें, पुलिसिंग तो उसका विषय रहता ही है, उसको लेकर के चुना गया था। देखिए, ये जो अवार्ड मिलते हैं ये बेसिकली एक पूरी पुलिस टीम होती है जो उसको काम करती है, तो ये मेरी पूरी पुलिस टीम ने जो अलग अलग जगह मेरे साथ काम किया उनके लिए अवार्ड था और इस तरह के अवार्ड से सबको प्रोत्साहन मिलता है कि और अच्छा काम करें। ऑपरेशन निजात आपने शुरू किया था, राजनांदगांव में भी काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला। यहाँ कोरबा में भी हम देखें तो सिर्फ शराब ही नहीं और अन्य तरह के भी नशों के लिए भी, तो वो अभियान क्या यहाँ चालू रहेगा, किस तरह से आगे आप एक्शन प्लान रहेगा कोरबा में? राज्य सरकार ने हम लोग को निर्देश भी दिया है कि जो प्रदेश में नशे की जो गतिविधियाँ हैं उस पर कड़ाई से रोकथाम लगे। CM साहब ने भी अभी कुछ दिन पहले कहा था कि गांजा की एक पत्ती भी स्टेट में ना आए, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए उनके निर्देश पे हम लोगों ने राजनांदगांव और कोरिया में एक निजात अभियान मैंने शुरू किया था, जिसमें ना केवल एक सख्त पुलिस कार्रवाई, चाहे वो अवैध शराब हो, अवैध नशा, जितनी सारी चीज़ें, अवैध शराब हो, गांजा हो, जो नारकोटिक्स के अन्य सारी चीज़ें हैं, सिरेंज है, कोडीन फास्फेट के जो सिरप्स मिलते हैं जो लोग यूज़ करते हैं नशे के लिए, उन सब के खिलाफ, उस जो कारोबार में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई एक एम था। दूसरा ये था कि ये नशा जो है ना केवल एक अपराध होता है, अपराध का जड़ होता है, बल्कि एक सामाजिक बुराई है, तो लोगों को हम लोगों ने इसमें शामिल किया, जिसके लिए पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम बहुत इंटेंसिव तरीके से चलाया। और तीसरा था कि जो नशे के हाईली एडिक्टेड लोग हैं उनके लिए डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाया जाए, उनको उससे बाहर निकाला जाए। तो इसको, ये अभियान काफ़ी चर्चित अभियान रहा। देश के 30 बेस्ट स्मार्ट पुलिसिंग वर्क्स में BPR&D गृह मंत्रालय की संस्था ने इसको चयनित भी किया और इसका बड़े सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। कोरबा में भी उसको चलाऊंगा क्योंकि यहाँ भी बड़ी संख्या में, बल्कि मैं तो अभी 2 दिन के अंदर देख रहा हूँ कि कई सारी घटनाएं नशे के कारण हुई है और बड़ी संख्या में यहाँ खदाने हैं जहाँ श्रमिक भी यूज़ करते हैं, कर्मचारी भी यूज़ करते हैं और इन जनरल भी लोग नशे के आदि लोग हैं और अपराध उससे घटित होता है, तो यहाँ भी निजात अभियान जोर शोर से चलाया जाएगा। सर, खदानों की आपने बात की, यहाँ का जो खदानें हैं कोयला की बड़ी बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी कोल माइंस हैं, तो कोयले से जुड़े हुए कई तरह के अपराध भी यहाँ पे हैं, फिर चाहे वो डीजल चोरी की बात करें या कोयले की। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, काफ़ी छवि भी ख़राब हुई थी, उससे कैसे निपटेंगे सर? ज़िले की जो तासीर में या जिसको कहा जाए कि अलग अलग चीज़ों में कोयला अगर हम बात ना करें तो बेमानी होगा यहाँ की, और उसी जब इतनी बड़ी संख्या में खदानें हैं, इतनी सारे जो जो सेंट्रल संस्थान हैं जो कोल से जुड़े हैं, उनसे उद्योग हैं, तो बहुत लाजमी है कि बहुत सारे अपराध जो है उससे जुड़े होते हैं।
और जैसा आपने बताया कोयला चोरी के हों, डीजल चोरी के हों, या अन्य जो नशा भी उसमें शामिल है कि वहाँ के रहने वाले जो नशा करते हैं, या संगठित असंगठित गुंडागर्दी हो, इन सारी चीज़ों पे पुलिस का ये बेसिक काम में है कि हम इस पे रोक लगाएं और आप देखेंगे उस पे हम लोग सख्ती करेंगे ताकि लोगों को उससे निजात मिल सके। जैसा कि हम लोग कई बार देखते हैं कि बेसिक पुलिसिंग और जो क्रिएटिव काम होता है, तो इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ बेसिक पुलिसिंग भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए और दूसरी तरफ जो आप क्रिएटिव काम करते हैं वो भी लगातार चलते रहना चाहिए। देखिए, हम लोग का जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी काम होता है, वो लोगों के हित के लिए होता है। तो अगर कोई काम हम लोग का जो सबसे पहले जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को प्रिवेंशन और उसका डिटेक्शन तो होता ही है, वो हमें करना ही है, बेसिक पुलिसिंग है। लेकिन ऐसे प्रोग्राम जो पुलिसिंग में ही, अगर कुछ ऐसे प्रोग्राम है कि जो हमें मदद मिले कि पुलिसिंग करने में, तो उसको हम लोग कम्युनिटी को जब इन्वॉल्व करते हैं उसको कम्युनिटी पुलिसिंग का नाम हम लोग देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मैं जब महासमुंद में था तो बच्चों के प्रति बहुत सारे अपराधों को देखते हुए हम लोगों ने चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग की, जिसमें लोगों को शामिल किया। तो उसका फ़र्क ये पड़ा कि लोगों को शामिल करने से लोगों में अवेयरनेस आए और बच्चों के प्रति अपराध घटे। उसके लिए भी महासमुंद पुलिस को एक राष्ट्रीय अवार्ड मिला। जब हम लोग रायगढ़ में थे तो उस समय आप देखिए कोविड का दौर था, जो बहुत सारे कोविड संबंधित हम लोग सख्ती करते थे, तो सख्ती करना था। लेकिन ये हुआ कि मास्क के प्रति अगर सख्ती कर रहे हैं तो मास्क के प्रति अवेयरनेस का भी प्रोग्राम करना चाहिए। तो हमने मास्क के प्रति एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चला, एक चर्चित अभियान एक रक्षा सूत्र मास्क का चला, जिसमें एक दिन में हम लोगों ने 12.5 लाख मास्क बांटे। तो वो मास्क के प्रति अवेयरनेस बढ़ाया। अब देखिए वो भी पुलिसिंग से रिलेटेड है, निजात अभियान भी ये कम्युनिटी पुलिसिंग का तो है ही प्रोग्राम, लेकिन इसकी जड़ नशा है। और नशे के खिलाफ पुलिसिंग का मैं एंगल से आपको बताऊं, हर 10 में से 4 अपराधों की जड़ में नशा होता है। तो अगर इसको हम क्राइम की तरह डील करें, साथ साथ इसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, तो ये दोनों का रूप हो जाएगा, पुलिसिंग और कम्युनिटी पुलिसिंग। तो ऐसे प्रोग्राम जो पुलिसिंग से रिलेटेड है, कहीं भी विरोधाभास नहीं होता, लोग जुड़ते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, पुलिस का अपना काम होता है, और दोनों के सहयोग से उस अपराध से लोगों को मुक्त करने का प्रयास होता है। सर, ये तो आपने जो पुलिसिंग की बात भी कही, और सर जो पुलिस कर्मी है जो निचले स्तर के होते हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल उनका रहता है, तो उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी क्या कोई एक्शन प्लान है आपके पास? क्योंकि कोरबा ऊर्जाधानी है, कोयले का भी दबाव है, कटघोरा वाला बेल्ट जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, तो इस दिशा में भी क्या कोई आपके पास है प्लान? मैं आपको बताऊं कि पुलिस मुख्यालय से लगातार हम लोग को वेलफेयर एक्टिविटी करने के लिए बोला जाता है अपने पुलिस कर्मियों के लिए। और आप देखें कि पुलिस कर्मी सही में हमारा काम बहुत ही हेक्टिक होता है, और 24 घंटे आपका काम होता है, बल्कि कई बार आपको अपना परिवार को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। तो आने वाले समय में पुलिस कर्मियों के लिए ज़रूर वेलफेयर की जो एक्टिविटीयां जो पहले से चल रही हैं वो भी चलेंगी। और मेरी जो योजना है कि लोगों की समस्या व्यक्तिगत रूप से समझ के व्यक्तिगत निदान के रूप में भी किया जाए, अगर प्रोफेशनल है तो उनको प्रोफेशनल रिलीफ दिया जाए। एक विषय और था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के पहला FIR छत्तीसगढ़ में आपने दर्ज किया था, राजनांदगांव में। तो सर, जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं और या क्रिप्टो का जो अपराध है ये कितना व्यापक है, और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे जैसे सूचना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइबर अपराध लगातार हो रहे हैं। पहले तो ऑनलाइन फ्रॉड के रूप में आप देखते हैं कि कितने विभिन्न तरीकों से लोगों से ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, फिर बहुत सारे सोशल मीडिया के अपराध होते हैं, जिसमें लोगों के खिलाफ बुलिंग करना, उनके अश्लील वीडियो पोस्ट करना, वो अपराध होते थे। अब जो है और भी एडवांस तरह के अपराध, एडवांस इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है जो लोगों को समझ में नहीं आती। इवन जो हम पुलिस कर्मी भी कई बार उस अपराधों को जब समझने की कोशिश करते हैं तो इतनी टेक्निकल होती है कि सामान्य विवेचक के समझना बहुत मुश्किल होता है। तो डार्क नेट संबंधित अपराध, क्रिप्टो करेंसी संबंधित अपराध नए ऐसे अपराध हैं, बहुत बड़ी संख्या में अचानक लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस पे कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रक एजेंसी नहीं है, ट्रेस करना उनको बड़ा मुश्किल है। तो हमने हाल फिलहाल में राजनांदगांव में न केवल छत्तीसगढ़ का बल्कि भारत के चुनिंदा ऐसे अपराध जो दर्ज हुए हैं, 2-3 अपराध जिसमें हमने न केवल दर्ज किया बल्कि उसको हमने ट्रेल किया, ट्रेस किया, और उसमें जो गबन की राशि थी उसको हमने पाने में सफलता पाई, उसको फ्रीज करा दिया, जो वापसी की प्रक्रिया में है। ये बहुत ही अनूठा अपराध था जिसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन मैं आपको लोगों के लिए कहूँगा, आपका पैसा बहुत कीमती है,
और अगर आप क्रिप्टो करेंसी जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है, जो कभी भी डूब सकता है, ये कई बार गैम्बलिंग की तरह भी काम करता है, प्योरली जुआ की तरह भी काम करता है, तो कृपया इससे बचें। ये जोखिम जो है, जोखिम के चक्कर में आप बहुत बार हम लोग देखते हैं लोग लुट जाते हैं। ज़रूरत है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही संभाल के समझ के किया जाए अगर कर रहे हैं तो, नहीं तो मेरी तो सलाह होगी कि इसमें इन्वेस्टमेंट अभी की स्थिति में जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं ना करें, दूसरे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करें। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। हम बात कर रहे थे आईपीएस संतोष कुमार सिंह जी से। इन्होंने बताया कि साफ तौर पर जो बेसिक पुलिसिंग है उस पर पूरा फोकस रहेगा, और साथ ही साथ जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ रहेगी, जो पुलिस कर्मियों को स्ट्रेस मैनेजमेंट है उस पर भी पूरा ध्यान देंगे। कोरबा से राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।